जय हिंद दोस्तों। धन्यवाद। जब आपके घर में कोई चूहा या कोई कीड़ा मकोड़ा कुछ भी ऐसी चीज घुस जाती है जो कि आपके घर में अनवांटेड है, तब आप क्या करते हैं? आप चूहा है तो उसको पकड़ने के लिए पिंजरा लगाएंगे, कोई सांप घुसा तो आप सांप पकड़ने वाले को बुलवाएंगे, मतलब आप कुछ भी प्रिकॉशन लेंगे या कुछ भी स्टेप लेंगे कि वो जो अनवांटेड चीज है आपके घर में घुसी हुई आप उसको निकालकर बाहर फेंक सके। लेकिन यदि आपके ही घर के बच्चे उस चीज को लेकर प्रोटेस्ट करने लगे तो आप अपना माथा पीटेंगे ना। आप सोचेंगे कि यार मतलब मैं घर को सही रखने के लिए सब काम कर रहा हूं और ये बच्चे आखिर किस डायरेक्शन में जा रहे हैं कि ये मेरे ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल को ये चूहा इनके कपड़े फाड़ देगा तो भी मेरे पर चढ़ेंगे, कल को ये सांप इनको काट लेगा तो फिर मेरी थूतू होनी है, हो गई ना ये। ऐसा ही कुछ तब हुआ जब भारत से कुछ अनवांटेड एलिमेंट्स को निकालने के लिए कुछ पाबंदियां लगाई गई तो लोगों को बुरा लग गया। अब ये क्या एग्जांपल दिया है मैंने, अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया तो वीडियो में बने रहिएगा, कुछ देर में आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप डीनो जेम्स, जिनका मैं पर्सनली बहुत बड़ा फैन हूँ, काफी पसंद करता हूँ मैं इनके गानों को, और आज से नहीं करीब 5-6 साल से मैं इनके गानों को सुन रहा हूँ जब ये सिंगल्स रिलीज किया करते थे। कल इन्होंने करीब आज से 12-13 घंटे पहले इंस्टाग्राम के ऊपर एक स्टोरी अपलोड करी, पहले जरा वो सुनिए कि इन्होंने स्टोरी में क्या कहा। सुबह जो मैंने पोस्ट डाला है वो एक टूर कैंसिल एक आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट तक ही था, उसके अलावा और कुछ नहीं था, और मुझे उसके आगे पीछे ऊपर नीचे क्या है मुझे कुछ नहीं मालूम था। अब इस स्टोरी में ये भाई साहब जो है माफी मांग रहे हैं, माफी किस चीज के लिए मांग रहे हैं, जो इन्होंने शुभ को सपोर्ट करते हुए एक पोस्ट किया था उसको लेकर। अब भाई सीधी सी बात है, माफी मांगने का तरीका होता है और ये सटीक वही तरीका है जिस तरीके से माफी मांगी जानी चाहिए। और जैसे ही मुझे पता लगा आई इंस्टेंटली डिलीटेड माय पोस्ट विद इन 7 मिनट्स, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे भाग रहा हूं, मैं कोई भी एंटी नेशनल बिहेवियर एक्ट किसी को सपोर्ट नहीं करता हूं यार, मैं क्यों करूंगा, मैं क्यों सपोर्ट करूंगा किसी को। लेकिन लाइक आई सेड कि मैं उससे नहीं भाग रहा हूं, आई टेक फुल ओनरशिप फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्हाट आई हैव डन, और जितने लोगों से इसको इससे हर्ट हुआ है आई रियली अपोलोजाइज फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, आई एम सो सॉरी, मुझसे अनजाने में जो हुआ है उसके लिए आई एम सो सो सॉरी। मतलब आपको ये वीडियो देखकर समझ में आ गया होगा कि माफी मांगने का सही तरीका क्या होता है। अब ऐसा ही कुछ पोस्ट कल, ऐसा तो नहीं खैर ये तो वीडियो पोस्ट था, लेकिन अगर एक रिटर्न पोस्ट शुभ ने भी किया। शुभ जिसने कि पंजाब का एक नक्शा पोस्ट किया था जिसमें कि कश्मीर कटा हुआ था, नॉर्थ ईस्ट था नहीं लेकिन श्रीलंका था, उसने वो नक्शा पोस्ट किया था। तो उस नक्शे को पोस्ट करने के ऊपर शुभ ने कुछ बातें कही, एपी ढिल्लों ने भी उसको लेकर बात कही, उस बारे में ही बात करेंगे। लेकिन पहले जरा शुभ के मैसेज के बारे में बात कर लेते हैं कि उसने क्या कुछ कहा है, और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो वाकई में माफी जैसा कि लोग बोल रहे हैं या सिर्फ कुछ चीज है जो बता दी गई है कि हाँ भाई ऐसा ऐसा है, लेकिन मतलब दिख कुछ और रही है। देखिए सबसे पहले अगर हम उसके फर्स्ट पेज की ही बात करें, उसने लिखा है, एज अ यंग रैपर सिंगर हेलिंग फ्रॉम पंजाब इंडिया इट वॉज माई लाइफ ड्रीम टू पुट माई म्यूजिक ऑन इंटरनेशनल डेज। मतलब कि मैं भारत से आता हूँ, पंजाब से आता हूँ, और मेरा ये सपना था कि मैं इंटरनेशनली अपने म्यूजिक को बढ़ाऊं। आगे लिखा है कि जो अभी अभी रिसेंट में जो हैपनिंग्स हुई हैं उन्होंने मेरे हार्डवर्क और प्रोग्रेस को टंबल किया है, मतलब कि हिलाया है। साथ साथ लिखा है कि आई वॉन्टेड टू से अ फ्यू वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई डिसमे एंड सॉरो। मतलब आपके पोस्ट से जो लोगों को दुख हुआ है, दर्द हुआ है, उसका आपको कोई सेंस नहीं है। ऑब्वियस सी बात है आपकी एज शायद उतनी नहीं है जितना कि आप इन बातों को समझ सको, इसलिए आप अपना सॉरो बता रहे हो, तो भाई फिर आपके सॉरो से भी कोई दो बात नहीं रखेगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। इन्होंने लिखा, आई एम एक्सट्रीमली डिसहार्टेंड बाय द कैंसिलेशन ऑफ माय टूर इन इंडिया, आई वाज हाईली एम्प्ड अप एंड एंथुसियास्टिक परफॉर्मिंग इन माय कंट्री इन फ्रंट ऑफ माय पीपल। मतलब कि मुझे बहुत दुख हुआ है कि मेरा टूर ऑफ इंडिया कैंसिल हो गया। ऑब्वियसली बात है दुख होगा, करोड़ों रुपए छपने वाले थे उससे, कई सारे स्पॉन्सर जुड़े हुए थे उससे, इतना बड़ा इवेंट जब कैंसिल होगा तो किसी को भी दुख होगा, ये बहुत बट ऑब्वियस सी चीज है। यहां आगे लिखा हुआ है कि द प्रिपरेशंस वर इन फुल स्विंग एंड आई वाज प्रैक्टिसिंग विथ माय हार्ट एंड सोल फॉर द लास्ट 2 मंथ्स एंड आई वाज एक्साइटेड अबाउट एंड रेडी टू परफॉर्म बट आई गेस डेस्टिनी। मतलब कि मैं अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहा था, पूरी सब लोग तैयारी में लगे हुए थे, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ये पहला पन्ना। दूसरे पन्ने पर क्या लिखा है इन्होंने, सबसे पहले इंडिया इज माई कंट्री टू, कि भारत मेरा भी देश है। तो ये किसी ने नहीं कहा कि भारत आपका देश नहीं है। भाई शुरुआत में जो मैंने आपको बच्चों वाली बात बताई थी, बच्चों से क्या किसी ने कहा कि भाई ये घर तुम्हारा नहीं कहा ना। तो ऐसा ही भारत आपका भी देश है, किसी ने नहीं कहा कि भाई आपका देश नहीं, भारत आपका भी देश है, मेरा भी देश है, और आपके और मेरे जैसे 140 करोड़ लोगों का देश है, इवन उन सब एनआरआईज का भी देश है जो कि देश की सिटीजनशिप को छोड़कर बाहर जाकर बस चुके हैं, वो आज भी बाहर जाकर भारतीय ही कहलाते हैं, किसी और देश के नागरिक नहीं कहलाते। खैर आगे बढ़ते हैं। यहां लिखा है कि आई वॉज बॉर्न हियर, आप बिल्कुल यहां पैदा हुए। इट इज द लैंड ऑफ माई गुरुज एंड एंसेस्टर्स हु डिडंट इवन ब्लिंक एंड आई टू मेक सेक्रीफाइस फॉर द फ्रीडम ऑफ दिस लैंड फॉर इट्स ग्लोरी एंड फॉर द फैमिली। बिल्कुल सबके गुरु यहां रहते हैं, सभी के एंसेस्टर्स यहां रहे हैं, सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर से लेकर, लगता क्या है बल्कि ऐसा है
कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर असम मेघालय तक, हर जगह से हमारे देश के क्रांतिकारी सामने आए और सभी ने देश की आजादी में अपना अपना योगदान दिया। यहां पर किसी का ज्यादा किसी का कम यदि हम योगदान की बात करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जो हमारे क्रांतिकारी थे उन्हीं के एफर्ट्स के ऊपर कहीं ना कहीं हम लोग एक सवाल निशान लगा देंगे कि अरे तुमने उतना नहीं किया, उसने तो उतना ज्यादा कर दिया। तो देश के लिए जितने भी लोग लड़े थे, देश के लिए जितने भी लोगों ने अपनी जान की आहुति दी, उन्होंने एक बार भी पलक नहीं झपकाई होगी अपने देश के प्रति आजादी को लेकर एक बार भी सोचने में। जैसा कि यहां पर शुभ ने लिखा है, दे डिडंट इवन ब्लिंक एन आई, है ना। तो ये बात हम लोग यहाँ पे एक समझ लेते हैं कि भाई सभी क्रांतिकारियों ने ये सब किया, सिर्फ ऐसा नहीं कि जो जिन लोगों की आप बात करें सिर्फ, नहीं ऐसा नहीं, सब लोगों ने किया था। हमें इन अ होल बात कर रहे हैं, हम भारत की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। आगे इन्होंने क्या लिखा है, एंड पंजाब इज माई सोल, पंजाब इज इन माई ब्लड, वॉट एवर आई एम टूडे आई एम बिकॉज ऑफ बींग अ पंजाबी। बिल्कुल, जो भी व्यक्ति जहां से भी आता है, मूल रूप से जहां का भी होता है, जैसे मैंने अभी कहा ना आपको कि जो भी एनआरआईज भी हैं, जो कि इंडियन सिटीजनशिप को छोड़ भी चुके हैं, वो भी भारतीय ही कहलाते हैं। ऋषि सुनक भारतीय मूल के ही कहलाते हैं ना। तो आप कहीं भी चले जाएं, कुछ भी कर लें, लेकिन यदि आप किसी एक जगह से जुड़े हुए हैं, कहीं से आपका ओरिजिन है, तो आप वही कहलाएंगे। और बिल्कुल आपने बहुत सही बात कही कि आप जो भी कुछ है, आप आपकी पंजाबी जो इमेज है उसके ही कारण है, आप उसी लैंग्वेज में गाने बना रहे हैं और उसी के कारण आप फेमस हुए, जाहिर सी बात है। यहां आगे लिखा हुआ है कि पंजाबीज डू नॉट नीड टू गिव प्रूफ ऑफ पेट्रियोटिज्म एट एवरी टर्न इन हिस्ट्री। अब ये बात की मुझे यहां पर बात जो बिल्कुल तुक समझ में नहीं आया भाई, यहां पर बात चल रही है कि आपने क्या चीज गलत करी, आपने उस चीज को तो एड्रेस किया नहीं, है ना। ऑब्वियसली बात है, अभी आप आगे करोगे हम समझते हैं, लेकिन अब आप यहां पर क्या कर रहे हो, आप पूरा नैरेटिव जो है कुछ और ही सेट कर रहे हो कि भाई पंजाबियों को ही गलत कहा जाता है। ऐसा नहीं भाई, कई सारे पंजाबी मेरे दोस्त हैं, हम लोगों के साथ में उठना बैठना, चाय नाश्ता हमारा रोज का चलता है, हम लोगों ने तो कभी एक दूसरे के बारे में कभी ऐसी बातें नहीं कही। लेकिन क्या होता है ना, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ पंजाबियों में ऐसा होता, नहीं, पंजाबी हो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी हो भाई, हर जगह पर कुछ ना कुछ आपको एक्सेप्शंस मिल ही जाएंगे। हम यहां पर उन एक्सेप्शंस की बात कर रहे हैं जो कि भारत को तोड़ने की बात करते हैं, वो भी भारत में बैठकर नहीं, विदेशों में बैठकर। तो ऐसा नहीं है कि हम आपको गलत बोल रहे हैं या किसी और सिख भाई को गलत बोल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ना हम ऐसे सपने में सोच सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। भारत का मतलब ही क्या है, भारत का मतलब है आपस में मिलकर रहना। वासुदेव कुटुंबकम क्यों कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है। तो यहां पर आप जो ये फेक नैरेटिव कहला रहे हो कि पंजाबियों को हर एक जगह पर अपनी पैट्रियटिज्म सिद्ध करना पड़ता है, ऐसा नहीं है, ये आपके दिमाग में भरा जा रहा है, आपको कोई ना कोई बोल रहा है। और आप इस चीज को समझिए कि जो भी कोई व्यक्ति आपके दिमाग में चीजें भर रहा है, कहीं ना कहीं वो बहुत बड़े लेवल पर गलत है, आप समझिए इस बात। यहां पर इन्होंने क्या लिखा है, एट एवरी टर्न इन हिस्ट्री पंजाबीज हैव सैक्रिफाइस देयर लाइव्स फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री, दैट्स व्हाई इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू रिफ्रेन फ्रॉम नेमिंग एवरी पंजाबी सेपरेटिस्ट और इंटरनेशनल। तो देखिए, जान हर एक हमारे जो पड़ाव गया हमारे देश का, उस हर पड़ाव पे कई सारे लोगों ने अपनी अपनी जान दी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम एक किसी व्यक्ति विशेष को बोलकर बोल सकते नहीं यार सिर्फ इन्होंने इनकी, नहीं भाई, कई सारे लोगों ने जान दी। और मैंने जैसा कि कहा कि पंजाबीज को सिर्फ नहीं कहा जाता है, जो मैंने एक्सेप्शंस बताया ना कि हर एक जगह पर कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, वो हिंदूज में भी होते हैं, सिख्स में भी होते हैं, मुस्लिम्स में भी होते हैं, ईसाई में भी होते हैं, हर जगह होते हैं। आप कहीं भी दुनिया में चले जाइए, आपको वो एक्सेप्शंस मिल ही जाएंगे। उन एक्सेप्शंस को ही सिर्फ पॉइंट आउट किया जा रहा है और कुछ भी नहीं। यहां पर डायरेक्टली किसी को कुछ नहीं कहा जा रहा, वो तो आपने एक पोस्ट कर दिया था जो कि आपने बिल्कुल डिलीट भी किया, लेकिन क्या है कि उस पोस्ट के कारण जो चीजें लोगों के मन में आई ना, वो लोगों को थोड़ा सा दुख दे गई, और कोई बात नहीं, ठीक है। यहां के लिखा है, अब इन्होंने लिखा है कि माय इंटेंट इन रीशेयरिंग दैट पोस्ट ऑन माय स्टोरी वाज ओनली टू प्रे फॉर पंजाब एज देयर वाज रिपोर्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इंटरनेट शटडाउन थ्रू आउट द स्टेट। अब इन्होंने यहां पर कहा है कि उस पोस्ट का मतलब यह था कि भाई वहां पर इंटरनेट कट गया था, इलेक्ट्रिसिटी कट गई थी, सिर्फ इसलिए मैं प्रे फॉर पंजाब बोल रहा था। अब आप मुझे ये बताइए कि इलेक्ट्रिसिटी क्यों कटी थी, इंटरनेट क्यों बंद था, क्योंकि उस समय वहां पर एक ऐसा अनवांटेड एलिमेंट आ गया था जिसको भी पकड़ना बहुत जरूरी था, जिसके कि हमने शुरुआत में भी एग्जाम्पल दिया उसका, उस समय क्या कुछ पंजाब में चल रहा था। अब अगर आपके घर में कुछ ऐसा काम चल रहा है जिसको करना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए अगर थोड़ी बहुत आपको परेशानी उठानी पड़ रही तो क्या वो गलत है, नहीं। जब घर की साफ सफाई होती है, जब घर में कमरे में झाड़ू लगती है, तो पंखा बंद करना ही पड़ता है, थोड़ी सी पसीने की दो बूंदें तो सहनी पड़ती हैं। अगर आप उसको नहीं सह पा रहे हो तो फिर आपकी घर की सफाई कैसे होगी बाबू, ये बात तो आपको समझनी पड़ेगी। आगे लिखते हैं, देयर वॉज नो अदर थॉट बिहाइंड इट एंड आई डेफिनेटली डिडंट इंटेंड टू हर्ट एनीवन सेंटीमेंट्स, द एक्यूजेशंस अगेंस्ट मी हैव डीपली अफेक्टेड मी। तो यहां पर इन्होंने लिखा है कि जो मेरा मतलब था वो बिल्कुल नहीं था, जो निकाला गया वो भी बिल्कुल मेरा मतलब नहीं था, तो यहां पर मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, इन्होंने ये बात कह दी। लेकिन क्या इन्होंने ये बोला कि फिर भी अगर मैंने किसी को हर्ट किया तो मैं सॉरी बोलता हूं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा।
यहाँ लिखते हैं, द एक्यूजेशंस अगेंस्ट मी हैव डीपली अफेक्टेड मी, बट एज माय गुरु हैज टॉट मी, मानस की जात सबई इकाई पछाबो, ऑल द ह्यूमन बीइंग्स रिकॉग्नाइज एज वन एंड सेम। बिल्कुल, मैं भी ये चीज मानता हूँ। वासुदेव कुटुंबकम मतलब क्यों बोला जाता है, कि पूरी दुनिया हमारा परिवार सभी लोगों को एक माना जाता है। एंड टॉट मी टू नॉट टू बी अफ्रेड, नॉट टू बी इंटीमिडेटेड, विच इज द ओरिजिन ऑफ पंजाबियत, आई विल कंटिन्यू टू वर्क हार्ड एंड ब्ला ब्ला ब्ला। इन्होंने पूरी बात आगे लिखी और आखिरी में लिखा है, वाहेगुरु मेहर करे सबद सबद दा भला। बहुत अच्छी बात से अंत किया है, लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि जो आपने नक्शा पोस्ट किया था उसमें नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ था, जम्मू कश्मीर था नहीं, तो सब चीजें देखिए आप समझिए ना, आप किसी पोस्ट को रीशेयर कर रहे हो उसका मतलब कुछ भी हो सकता है, बट इन द एंड यू हैव टू मतलब एक्सप्लेन ना कि आप जो चीज कर रहे हो क्यों कर रहे हो। जैसे मैंने अभी आपकी जो बातें बताई, मैं आपको बता रहा हूं कि हम लोग कई सारे लोगों के साथ उठते बैठते हैं जो कि सिख समुदाय से आते हैं, हमारा उनके साथ कोई बैर नहीं है भाई। काफी बड़े बड़े बिजनेसमैन सिख समुदाय से आते हैं, क्या वो चाहेंगे कि खालिस्तान बन जाए और वो अपना धंधा छोड़कर खालिस्तान चले जाए रहने के लिए? नहीं, वो नहीं चाहेंगे। तो फिर ये जो एक छोटी सोच है ना, उस सोच को हमें समझने की बेहद जरूरत है। इसके आगे एपी ढिल्लो ने भी एक पोस्ट लिखा है, इस पोस्ट में आपको मोटा मोटा बता देता हूं, उन्होंने बस ये कहा है कि भैया हम लोग आर्टिस्ट जो है, हम आर्टिस्ट खुलकर काम कर नहीं पा रहे हैं, काफी सारी दिक्कतों का हमको सामना करना पड़ रहा है, और भी काफी सारी चीजें उन्होंने कही है। साथ साथ इन्होंने कहा है कि आजकल हर कोई इतना ज्यादा सेंटिमेंटली हर्ट हो जाता है कि हमें दो बार तीन बार चार बार तक अपनी चीजों को चेक करना पड़ता है, एंड जो पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं वो इन चीजों का फायदा उठा लेते हैं और सब करते हैं। तो ढिल्लो साहब, फिर बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो गंज कल्चर है, मतलब मेरा एक दोस्त है जो पंजाबी गाने नहीं सुनता, एक बार उसने पंजाबी गाना देखा तो बोलता यार ये तो ऐसा लग रहा है कारों का एड चल रहा है। तो आप गानों को भी तो समझिए ना, लोग सुन रहे हैं, मैं बिल्कुल समझ रहा हूं, जो नेगेटिव चीजें होती है उसकी तरफ लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, आपको भी ये समझना पड़ेगा। आप गन कल्चर को प्रमोट कर रहे हो और फिर काफी सारी चीजें होती है, देखिए तो आप भी थोड़ा सा उन चीजों से बचो, बाकी लोग भी आपको पसंद करने लगेंगे। तो क्या कहना है आप लोगों के बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे सुनिए फिलहाल, जय हिंद जय भारत।